हेलो दोस्तों, गेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं राज आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं कि हीटर बनने के लिए आया, इसमें एक एलिमेंट तो जल रहा है लेकिन दूसरा नहीं जल रहा है, ठीक है, जबकि दोनों का स्विच मैंने ऑन कर रखा है। ठीक है, तो आज आप जानेंगे कि इसका पूरा कनेक्शन मैं बताऊंगा, पहले पूरा कनेक्शन कैसे किया जाता है और उसके बाद जो इसको एलिमेंट को कैसे बदला जाता है, ठीक है, और एलिमेंट का नंबर क्या होता है, ठीक है, आप कैसे इसको आसानी से बदल सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें एक और प्रॉब्लम है कि बॉडी में हल्का का करंट भी आ रहा है, ठीक है, हल्का का बॉडी में करंट भी आ रहा है, उसको भी कैसे ठीक करना है मैं आपको बताऊंगा। करंट कहीं ना कहीं ये जो वायर होता है मेटालिक बॉडी में कहीं ना कहीं टच हो रहा होगा, जिसके चलते करंट आ रहा है, उसको भी आप जब एलिमेंट बदलेंगे तो पूरे अच्छे तरीके से उसको आइसोलेट कर देंगे ताकि कहीं सटे नहीं सटेगा तो करंट नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको खोल के फिर आपको स्टेप बाय स्टेप सारा चीज बताता हूँ, पूरा कनेक्शन आज आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा। वीडियो पूरा देखिए, जरूर समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कनेक्शन आप समझिए। सबसे पहले इसमें तीन वायर्स होते हैं, ये बॉडी मेटालिक कनेक्शन होता है, मेटालिक बॉडी जहां पे है वहां से इसका कनेक्शन किया जाता है ताकि करंट आ रहा है तो वो न्यूट्रल के साथ अर्थेड होके यहाँ करंट खत्म हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, ठीक है। तो देखिए, हरा वाला वायर यहाँ जुटा हुआ है, इसके बॉडी में जुटा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ दो वायर बचे, एक फेज के लिए एक न्यूट्रल के लिए, यानी एक रेड और ब्लैक। तो रेड वाला या फिर कोई भी एक वायर एसी है तो उसमें कोई भी एक वायर आप दे सकते हैं, इस स्विच के माध्यम से होके एलिमेंट में गया। देखिए, स्विच में गया और निकल के सीधा एलिमेंट में आया, दोनों एलिमेंट के एक एक लीक पे आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, दूसरा वायर जो है वो स्विच में गया, स्विच के दोनों लीक में गया, दोनों लीक में देख पा रहे हैं, ठीक है। और एक स्विच से पहले का और दूसरे स्विच से दूसरे का कनेक्शन कर दिया गया है, ठीक है। देखिए, इस स्विच से पहले का और इस स्विच से दूसरे का कनेक्शन कर दिया गया है। आशा करता हूँ आपको कनेक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा, कैसे बदलना है अब मैं उस पर चर्चा कर रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये स्विच इसलिए दिया जाता है ताकि ये स्टैंडिंग पोजिशन में ही चलता रहे, ठीक है। अचानक से कभी गिर जाता है, मानते आप बेड के पास रखते हैं या फिर और भी कहीं ऐसे जगह रखते हैं जहां पे गिर जाने के बाद इसकी हीट अगर होता रहे तो उसमें आग लगने की संभावना बढ़ जाएगी, उसी से बचने के लिए यहाँ पे एक स्विच लगाया जाता है ताकि गिरते ही ये ऑफ हो जाए, ठीक है। दबने पे ऑन रहता है और जैसे गिरेगा तो ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्विच इसीलिए इसको सीरीज में लगा दिया जाता है। अब देखिए कैसे बदलना है, तो ऊपर वाला जो मेरा है वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है, नीचे वाला एलिमेंट सही है, ऊपर वाला जो है गड़बड़ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस स्क्रू को खोल के इस वायर को अलग करना है, ठीक है, दोनों साइड के स्क्रू को खोल के, इधर भी इस स्क्रू को खोल के इस वायर को अलग करना है। केयर से करें, ये बहुत शार्प होता है, ठीक है, कटने का डर बहुत ज्यादा होता है इससे, तो काफी केयर से करें और संभव हो तो आप ग्लव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको एलिमेंट खोल के भी दिखाऊंगा कि आखिर क्या हो जाता है कि ये काम करना बंद कर देता है, ठीक है। पूरा देखते रहिए वीडियो, आपको बहुत चीज जानने को मिलेगा इस वीडियो में। अब देखिए, हटाने के बाद किसी एक साइड से, ठीक है, आप इस पत्ती को निकालिए, या उधर से निकालिए या इधर से, ठीक है, किसी भी एक साइड से आप निकाल सकते हैं। मैं यहीं से निकालता हूँ, निकाल दिया पत्ती को, देखिए। अब एलिमेंट को आपको बाहर खींचना है, ठीक है। ठीक है, देखिए खराब इसलिए हो जाता है, देखिए ये जो स्प्रिंग है, जो नाइक्रोम की स्प्रिंग जो है, एक साइड से टूटी हुई थी, ठीक है। अगर ये दोनों साइड जुड़ा होता, ठीक है, तो
तो ये काम करता, एक साइड से जिस तरह यहाँ जुड़ा हुआ है उसी तरह उधर भी जुड़ा होना चाहिए, उधर टूट जाने के चलते ये काम करना बंद कर दिया है। ठीक है, देखिए टूट के अलग हो गया, अब इसको आप निकाल लेंगे। टूटा हुआ हिस्सा निकालने के लिए एक स्क्रू यहाँ से आपको रिमूव करना है, ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा उठाया जा सके। ठीक है, ऐसे आपको थोड़ा सा केयर से आप किसी टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ध्यान से हाथ नहीं कटे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये काफी शार्प होता है, थोड़ी सी भी गलती या ज्यादा तेजी से काम करने के चलते आपका हाथ भी कट सकता है, उंगली कट सकती है थोड़ी सी, तो बिल्कुल केयर से काम करें। फिर इसी स्क्रू को आप वापस से ऐसे ही लगा दें। अब नया एलिमेंट लेना है आपको, ठीक है, स्क्रू वैसे ही, इधर देखिए इधर से पार कराना है, ठीक है, हो गया इधर, उसी तरह इधर भी आ गया है। अब आपको फिर से लगा देना है ऐसे, और लगा के इस तरह दबा देना है ताकि देखिए ये पूरा बॉडी से दूर होना चाहिए। ठीक है, बॉडी से दूर होना चाहिए, कहीं भी हल्का सा सट रहा होगा जिसके चलते बॉडी में आ रहा होगा, मैं देखिए बिल्कुल अलग कर देता हूँ, इधर भी मैं बिल्कुल अलग कर देता हूँ, और यहाँ भी आप देख लीजिए, यहाँ सब जो भी है इस सबको भी थोड़ा थोड़ा आप अलग कर दें, स्विच से अलग कर दें। ठीक है, कहीं भी अगर हल्का सा भी टच होगा तो जितना मेटल है सभी जगह आपको हल्का हल्का करेंट मिलेगा। ठीक है, सबको दबा दें, यहाँ से बहुत यहाँ से पहुँचाएगा, और अगर इसके आसपास से होगा तो मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ। अब इसके पास में अभी आप जो वायर जोड़ेंगे उसको भी आप बिल्कुल केयर से जोड़ें ताकि करेंट ना आए। में आपको सोल्डिंग नहीं करना है, बस ऐसे ही फंसा लेना है, और फंसा लेने के बाद आपको एक स्क्रू टाइट कर देना है। स्क्रू को बहुत ज्यादा जोर से भी टाइट नहीं करना है और बहुत लूज भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह इसको भी कहीं लास्ट में ट्विस्ट कर दीजिए, लूज ट्विस्ट कर दीजिए हल्का सा, और ये जब आप अलग से जो नट लगाएंगे उसी नट से ये खुद अपना पोजीशन पे आ जाएगा। ये सब काम आराम आराम से करना होता है, क्योंकि लगाते वक्त भी ये टूट जाता है, इसीलिए आप देख पा रहे होंगे कि मैं कुछ ज़्यादा धीरे या केयर से कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया, अब आ गया समय टेस्ट करने का। ठीक है, टेस्ट करने के समय इसको खड़ा रखें ताकि जो मैंने स्विच बताया है जो नीचे तरफ लगा होता है वो ऑन पोजीशन में आ जाए। ठीक है, अभी मैंने ऑन किया, लाइट मैंने ऑफ कर दिया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये वाला जो अभी चेंज किया गया वो जलने लगा, मैं हाथ से टच कर रहा हूँ, कहीं कोई करंट नहीं है। ठीक है, और ये पहले वाला ये भी जल रहा है और ये भी जल रहा है। अब ये आपके ऊपर है कि आप 1000 वाट का डालना चाह रहे हैं, 500 वाट का डालना चाह रहे हैं, अपने ऊपर, आप जितने वाट का आपको जरूरत है उतने वाट का आप लगा लीजिए। ठीक है, और उसके बाद फिर से आप उसको जैसे आपने खोला है उसको कर दीजिए। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी तरह समझ में आया हो, इसमें मैंने बॉडी में करंट आने का कारण बताया, उसके बाद कनेक्शन बताया। ठीक है, कनेक्शन में और उस पर
जो एलिमेंट है उसको रिप्लेस करने का तरीका बताया, ठीक है। और मैं आगे एक बताऊंगा कि खराब जो, ठीक है, खराब एलिमेंट का रिपेयर कैसे करना, एक भी बताऊंगा। और दूसरा चीज, जैसे जैसे स्विच होके गया, मान लीजिए कि ये नहीं चल रहा है, एलिमेंट आपका सही है, तो आप स्विच बदल के देखें, ठीक है। ये ऊपर नहीं चला तो ये स्विच, जिसका कनेक्शन जिस स्विच से हो उस स्विच को बदल के देखें, ठीक है। एलिमेंट सही हो और काम नहीं कर रहा, तो इनकेस ऑन होने पे दोनों काम नहीं कर रहा है, तो वो जो स्विच जो मैंने बताया जो बॉडी में नीचे तरफ लगी होती है उसको बदल के देखें, या फिर मेन वायर चेक करें, ठीक है। स्विच बदलने से पहले आप स्विच चेक करके तभी बदलें, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आशा करता हूँ वीडियो जरूर समझ में आया होगा। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि आपको इसी तरह की जरूरी वीडियो समय समय पर मिलते रहे और अपना काम आप खुद कर सके, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।